आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट आओ गांव चले में, जिसमें जानेंगे अलवर जिले की रेणी पंचायत के गांव सालोली के विकास की कहानी, जहां गांव वालों ने सरपंच के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण में एक दूसरे को बचाए रखा। रेणी पंचायत समिति का सबसे प्रसिद्ध मंदिर अलेवा धाम और उससे 6 किलोमीटर दूर है पंचायत समिति सालोली, जहां हमारी टीम पहुंची सालोली के सरपंच राम सिंह मीणा के यहाँ। राम सिंह मीणा को गांव वाले पानी वाले सरपंच के नाम से पुकारते हैं। ये नाम गांव वालों ने उनको इसलिए दिया क्योंकि राम सिंह मीणा अपने निजी टैंकरों से गांव में पानी सप्लाई करते हैं। चमकती धूप, दमकते चेहरे और उसके साथ मेहनत और सहयोग का एक अद्भुत मंजर, ये नजारा है सालोली गांव का, जहां मनरेगा के मेहनती मजदूर एक और जनहित के कार्य को मुकम्मल करने में लगे हैं। गांव की सीधी सपाट सड़क पर पहरेदारों की तरह दोनों तरफ खड़े ये पेड़ बताते हैं कि गांववासी पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं। देश की तरक्की और गौरव में हिस्सेदारी दिखाने वाले गांव में सालोली भी अपने आप को सबसे आगे रखता है। घर घर शौचालयों के साथ साथ गांव में सार्वजनिक शौचालय भी बने हैं, जिन्हें इज्जत घर के नाम से पुकारा जाता है। गांव के मुख्यालय में सरपंच और उनके जन प्रतिनिधि हर दिन लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को न सिर्फ सुलझाते हैं बल्कि ग्राम वासियों से राय मशवरा करके विकास कार्यों की रूपरेखा भी तय करते हैं। गांव की कुल जनसंख्या 3700 है। पानी की व्यवस्था टैंकरों से होती है। ग्राम पंचायत में 11 वार्ड मेंबर हैं। यहाँ के उप सरपंच रामवीर योगी हैं। ग्राम पंचायत में कुल आंगनबाड़ी केंद्र 3 है, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र सालोली ग्राम पंचायत तहसील हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर है। इस गांव को पहले काला गांव के नाम से जाना जाता था। इस पंचायत में काले पत्थर बहुतायत से मिलते हैं। यहां 2 ग्राम पंचायतों से इस गांव की सीमा लगती है। दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के पूर्वज काला गांव यानी कि आज के सालोली से हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जगमोहन मीणा के पूर्वज भी इसी गांव से हैं। ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर दूर अलेवा धाम नाम का प्रसिद्ध मंदिर है। रेणी पंचायत समिति में पानी वाले सरपंच के नाम से मशहूर राम सिंह मीणा से हमने मुलाकात की और बातचीत की कोरोना महामारी के बीच गांव के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में। आइए आपको भी सुनाते हैं। सरपंच कले वो कर जा रे, मैं रहंदू राहबड़ी, तू छाछ पी जा रे। इस गीत में ये दिखाया गया है कि अपने गांव वाले अपने सरपंच के लिए ये गीत, ये पंक्तियां गाते हुए नजर आते हैं। आज हम पहुंचे हैं अलवर जिले के रेणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सालोली में, जहां पर यहां के सरपंच राम सिंह मीणा से हम खास मुलाकात करेंगे कि उन्होंने अपनी पंचायत को किस तरह से सुरक्षित बचाया कोरोना जैसी महाबीमारी से और क्या क्या व्यवस्थाएं की। पानी के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ विराजमान हैं सरपंच साहब, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से हिल रहा था, तो उस समय आपने किस तरह से अपनी पंचायत को सुरक्षित रखा, किस तरह से जनता के बीच आप गए और आपने क्या संदेश दिया? कोरोना महामारी के चलते मैंने मेरे ग्राम पंचायत सालोली को सुरक्षित रखने के लिए सभी ग्रामवासी, सभी पंचायतवासी, युवा साथी सबका सहयोग से एवं मेरे यहाँ टीम लगी हुई, जैसे ANM और टीम बनी है, जो मैं PO साहब हैं, पटवारी जी हैं, सबका सहयोग से ग्राम पंचायत में सबको जागरूक किया। सरपंच साहब, जिस तरह से सरकार ने कहा कि कुछ ऐसा है परिवार थे, उनके लिए आपने किस तरह की व्यवस्थाएं की जिनको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी?
जो परिवारों को खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं था, उनको हमने कुछ हमारी तरफ से, कुछ भामाशाहों की तरफ से किट वितरण किए। करीब करीब 4-5-6 बार हमने किट वितरण किए जो ज़रूरतमंद लोग थे। सर मैं, सर अगर जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर जो पानी की काफ़ी समस्या है, अभी विधायक साहब ने भी कुछ बजट दिया है, तो अब पानी को लेकर आप पिछले कई सालों से लगातार पंचायत में पानी की समस्या को ख़त्म करने में ही लगे हुए हैं, तो अब आपका आगे का प्लान क्या होगा और अभी आप किस तरह की योजना बना रहे हैं? पानी ख़त्म किया जाए, हर घर में पानी मिले, हर महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना पड़े, हर आंगन में नल हो, इस तरह की आप योजना लेकर चल रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे? विधायक साहब की तरफ से भी क्या आश्वासन है और आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? विधायक साहब का हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अब भी हमारे ग्राम पंचायत सालोली के विधायक साहब ने करीब 1 करोड़ रुपये से ऊपर का बजट पास किया है पानी के लिए, स्पेशल पानी के लिए है वो। इससे पहले भी मैं सरपंच तो अभी बने हैं, जिससे पहले मेरे को 5 साल हो गए, 5 साल से मैं कंटिन्यू टैंकरों से जहाँ भी जिस भी मोहल्ले में पानी की ज़रूरत होती मैं वहाँ पानी पहुँचाता था। मतलब पानी का तो मेरा 5 साल से कंटिन्यू चल रहा है। अब जो PhD की योजना के तहत विधायक साहब ने बहुत अच्छा हमको सहयोग दे रहे हैं, हम विधायक साहब के साथ में बैठते हैं और विधायक का हमको अच्छा सहयोग मिल रहा है पानी के मामले में। तो सरपंच साहब ने अपने पंचायत को कोरोना जैसी महाबीमारी से सुरक्षित बचा है और एक भी केस यहां पर नहीं आने दिया, चारों तरफ से पंचायत को सुरक्षित रखा और देश को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं।